Good morning, dear students. Today I have an important and interesting topic for you. As you know that in previous video we learn about where do microorganisms live. I hope while you see that video you may understand the content well. Dear students, kindly see your textbook provided by government to you, textbook of science from class 8th. Today we will learn about microorganism and man. Microorganism plays an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes diseases. Let us learn more about them. Friendly microorganism. Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. Microorganisms have been used in production of alcohol since ages. They are used in preparation of various types of medicines also. They are also used in cleaning up of environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remain of animals, feces, etc. are broken into simple substance by bacteria. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. Making of curd and bread. Dear students, you might have heard that milk is turned into curd by bacteria. Curd contains several microorganisms. Of these, bacterium lactobacillus promote the formation of curd. It multiplies in milk, convert it into curd. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles and many other items. Dear students, you can perform different activities at your own to see how bacteria are helpful for us, such as by adding yeast in soft dough of flour, so on. Dear student, kindly see page number 3 of textbook for clear reading of the text which I narrate in this video. Your textbook which is provided by government to you, see page number 3, lesson number 1, microorganism, friend and foe. Dear students, मैं इसको हिंदी उर्दू में बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैन, जरासीम और इंसान. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान की, इन जरासीमों का इंसान की जिंदगी में बहुत अहम रोल होता है. कुछ जरासीम जो हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, और दूसरे जो हैं वो हमें नुकसान देते हैं और बीमारियां काज करते हैं, उनसे हमें बीमारियां होती हैं. तो हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का, फ्रेंडली जो हमारे जो दोस्त जरासीम हैं उनका क्या काम है. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. ये हमें बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे दे आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो हमारा दही बनता है, ब्रेड बनती है और केक, उसके लिए ये हमें जरासीम इस्तेमाल होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. कई समूह से जो शराब बनता है वो भी जरासीमों की मदद से बनता है. इसी तरह बहुत किस्म की जो वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसन्स जो हैं वो भी जरासीमों से बनती हैं. और उसके अलावा दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट. जो हमारा एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसको साफ करने के लिए जरासीमों का बहुत अहम रोल होता है. जैसे हम अपने सब्जियों के पत्ते फेंक देते हैं, जो छिलके फेंकते हैं, और दूसरा जो जैसे जानवर मर जाते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं, तो उनको जरासीम सड़ा के उस जगह को साफ कर देते हैं. जैसे हमारी फिसिस होती है, फिकल मैटर, जो जो लोग ओपन में अपनी गंदगी करते हैं उसको भी जो है वो कीड़े ही सड़ा के उसको सिंपल सब्सटेंस यानी उसको मिट्टी में मिला देते हैं. और इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. तो जो हमारी खेती बाड़ी होती है इसमें क्या करते हैं कि जरासीम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं धरती में. हमारे जो जितने भी पी फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में नड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, हवा के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में फिक्स करता है, और उससे सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसका जरखेजापन बढ़ता है. उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड.
कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह काम करते हैं? तो बच्चों आपने सुना होगा कि दूध जो है वो दही में तब्दील होता है एक बैक्टीरिया की मदद से। वैसे तो हमारे कर्ड के अंदर बहुत किस्म के छोटे छोटे जरासीम होते हैं, लेकिन उनमें से एक खास नाम का जरासीम बैक्टीरियम होता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध जो दूध है उसको दही में तब्दील करता है। और ये क्या करता है कि मिल्क के अंदर भरता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है और उसको दही में तब्दील कर देता है, उसका मिल्क का जो है वो कर्ड बन जाता है। और इसके अलावा जो बैक्टीरियाज हैं ये हमारा पनीर, अचार और बहुत सारी आइटमें बनाने में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इस ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आटा गूंदेंगे आप, उसमें थोड़ा सा यीस्ट मलाएंगे और उसको थोड़े समय के लिए एक शाम रखेंगे तो दूसरे दिन आप देखेंगे वो फूल गया होगा और उसके अंदर जो है वो जर्म्स जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर गए होंगे और उसकी जो उससे हम चपातीज वगैरह बना सकते हैं और बहुत सारी आइटम्स बना सकते हैं। तो ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और इसको क्लियर पढ़ने के लिए, अच्छी तरह पढ़ने के लिए आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है 8th की, उसका पहला लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का पेज नंबर 3 जो है उसको आप ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को भी सुनिए और आई होप कि आप इसमें से कुछ सीख सकेंगे। थैंक यू। ओके।